Nokia 2680 slide disassembly, screen प्रतिस्थापन और repair remove अपनी पीठ को cover, battery और sim slide ऊपर ले जाएं और फिर दो परिक्रमण जार निकालें फोन के शीर्ष पर शुरू चारों ओर एक क्रेडिट कार्ड की तरह कुछ चलाने के बाकी फोन पीठ के सामने कवर अपने फोन को नीचे की तरह दिखना चाहिए हटा से इसे जारी करने के लिए सामने कवर में शामिल हो पहले अंक तीर द्वारा संकेत पर काली हिस्सा लीवरिंग द्वारा ईयरपीस हटा दें तो एलसीडी स्क्रीन के बाईं ओर के तहत एक क्रेडिट कार्ड की तरह कुछ स्लाइड स्क्रीन लीवर की कोशिश नहीं की बस इसके तहत कार्ड स्लाइड जब तक यह विज्ञप्ति ईयरपीस के साथ हटा या अपने फोन को ले की तरह ना चाहिए एलसीडी स्क्रीन अभी भी एक रिबन केबल से जुड़ा हुआ है यह एक प्लग और सॉकेट तरह से देता है अभी हाल चलाना करने के लिए इस लीवर अब आप जे के रूप में दिखाया गया है स्क्रीन को हटा सकते हैं आप केवल एलसीडी स्क्रीन को दूर करना चाहते हैं तो आप किसी भी आगे जाने की जरूरत नहीं है पर फोन मुड़े और छह परिक्रमा शिकंजा निकाले तो तल पर छोटे आकार शिकंजा है यह याद रखें कि जब आप वापस एक साथ फोन रख दिया नीचे के रूप में दिखाया गया है यह देखते हुए कि एक रिबन केबल अभी भी छोड़ दिया पर जुड़ा हुआ है अब किताब की तरह फोन खुला सावधान इस नुकसान नहीं हो अब फोन के बाकी हिस्सों से सर्किट बोर्ड दूर लीवर बस सर्किट बोर्ड किनारे के आसपास इसे दूर करने के लिए अपनी जिज्ञासा प्लास्टिक के उपकरण का उपयोग करें आपका अब फोन और सर्किट बोर्ड अलग से वापस होनी चाहिए एक रिबन कनेक्ट परिक्रमा काट दिया जाना चाहिए फिर यह एक प्लग और सॉकेट तरह से देता है अभी हाल चलाना करने के लिए इस लीवर रिबन केबल तो सर्किट बोर्ड में अंतर के माध्यम से स्लाइड की पैड इस बिंदु पर ढीला हो जाएगा और तुम अब फोन के सभी मुख्य भागों को अलग कर सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है 12 के लिए पूरी प्रक्रिया उल्टा आप इस डिसअसेंबली गाइड उपयोगी पाया गया है formimobile.co.uk का समर्थन और उपकरणों और भागों आप हमारी साइट से जरूरत आदेश कृपया हम दुनिया भर में शिप करते हैं